हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल पे। आज हम देखने वाले हैं एक जीके का क्विज। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय प्रारंभ किया? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट में बताइएगा। वैसे इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली ही है इस क्वेश्चन का सही आंसर, जहाँ की भारतीय रेलवे ने अपना पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय प्रारंभ किया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस क्विज का, ब्लू बुक क्या है? ब्लू बुक है क्या, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज ब्लू बुक है क्या। ऑप्शन है पर्यावरण सुधार के लिए सरकारी निर्देशिका, दूसरा ऑप्शन है मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रस्तावित योजना, तीसरा हमारा राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सरकारी निर्देशिका, चौथा है आर्थिक समीक्षा के लिए सरकारी रिपोर्ट। इसका सही आंसर है हमारा तीसरा वाला, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए सरकारी निर्देशिका, यही है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध कब से लगा दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 अक्टूबर 2008 से, यह है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है शांतिकांत दास। शांतिकांत दास जी ही है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1959 यानी कि 1959 में। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। हमारा छठवां प्रश्न है, गाइडिंग सोल्स नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? गाइडिंग सोल्स नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये चार ऑप्शन है, पीटर कैरी, एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और तीसरा हमारा अनीता देसाई, और चौथा है हमारा अमिताभ घोष। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा इसका उत्तर क्या है, वरना मैं अगले शॉर्ट्स में आपको इसका उत्तर बता दूंगा। नोबल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है आपको जानने के लिए, नोबल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? इसका सही उत्तर है गणित में यानी कि मैथ्स में। मैथ्स में गणित में पुरस्कार, नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो बस गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।